हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, इट्स अर्शु खान। तो गाइस, काफ़ी दिनों बाद मैं दोबारा ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ दिक्कत थी मेरे को, वो हम आगे ब्लॉग में आपको बताएंगे। तो गाइस, आज हम आपको लेके आए हैं उत्तराखंड मेला, जो कि हनुमान सेतु मंदिर के पास लगा हुआ है। तो हम लोग भी अंदर चलेंगे, पूरा विजिट करेंगे, देखते हैं क्या क्या है यहाँ पे। ये आपका उत्तराखंड मेला 24 जनवरी तक की लगेगा, तो आप लोग आके प्लीज़ यहाँ विज़िट करिए। और अभी मैं इधर तरफ आ गया हूँ, बाइक खड़ी करी है, खड़ी करिए एक बार देखने आया था, क्योंकि क्या ही बताएं आपको, मेरे साथ बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। तो एक छोटा सा व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ, क्यों मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था, रीज़न मैं थोड़ा सा दिखा देता हूँ। तो गाइस, जैसे आप देख रहे हो, ये मेरी बाइक है, और इसका भी एक्सीडेंट हो गया था मेरा आगरा हाईवे पर, तो जिसकी वजह से मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर रहा था। तो अब थोड़ा हाथ सही हो गया हूँ, हाथ में मेरे चोट आ गई थी, तो ये देखिए हाथ मेरे चोट आ गई थी, ये टाके लगे थे यहाँ पे, अब सही हो गया हूँ। तो गाइस, अब आगे सब व्लॉग शूट करूँगा, अब जहाँ जो जो मेला लगेगा, महोत्सव लगेगा, जो जो सब एक्सप्लोर करूँगा। तो अब चलते हैं फटाफट अंदर। तो गाइस, फाइनली हम लोग आ गए उत्तराखंड महोत्सव के अंदर। तो आप इस सब में देख रहे हैं, स्टेज पूरा बना हुआ है, यहाँ पर परफॉर्मेंस वगैरह हो रही है, और यहाँ पे स्टॉल वगैरह लगे हैं। हम लोग आते साथ ही सबसे पहले खाना खाने चले गए थे, ये खाना मतलब बर्गर वगैरह खा रहे, जिसको भूख लग रही थी। और आप ये देख रहे हो, बुक्स वगैरह का स्टॉल है। तो ये देख रहे हैं आप, जूती की दुकान है, और ये नेहा बहन मेरी जूती देख रही हैं। पैर छोटा पड़ गया। तो यहाँ पे लोग उत्तराखंड से आए हैं, अपना प्रोडक्ट्स वगैरह दिखा रहे हैं लोगों को। तो गाइस, आप लोग अगर आप लोग ने विज़िट नहीं करा, तो आप यहाँ पे आके विज़िट ज़रूर करिए। और कपड़ों, सर्दियों कपड़ों के तो सेल बहुत है, कोटी वगैरह, जैकेट वगैरह, और 100 रुपये से माल चालू है, बहुत सस्ता है। सामने देख रहे हैं आप, हुंडई शोरूम से लोग आए हुए हैं। अब यहाँ पे कार बाइक भी है, जो कि परचेज कर सकते हो। और इस समय हम लोग के सामने हो रही परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छा लग रहा है हम लोग को यहाँ आके। तो गाइस, ये है शकरकंद, देख रहे कितनी बड़ी बड़ी शकरकंद है, और ये सब दाल वगैरह हैं। और ये है दुकान शॉप, जो आंटी लगाए हैं। इधर तरफ भी शकरकंद लगी है। और देख रहे कितने क्लोज, तो यहाँ पे कपड़े वगैरह तो बहुत हैं, और सस्ते ही बहुत हैं काफ़ी।
तो ये लगे हैं कोट्स वगैरह की शॉप, देख रहे हैं कोट्स लगे हैं, सर्दियों वाले कोट हैं। और ये मैं रहा, और देखते हैं क्या क्या है, आप लोग को आज पूरा इस व्लॉग में पूरा एक्सप्लोर करा दें। देख रहे हैं मैंने क्या कहा था, 100 रुपये, 200 रुपये, देखिए 200 रुपये का लेडीज़ का वो लगा है जैकेट। तो गाइस इधर तरफ लगा है आपका फूड स्टॉल, और इधर से तो आप आओगे ही, और इधर तरफ से पूरे कपड़े लगे हैं सामने, और ये सामने जैसे आप देखोगे ये स्टेज है पूरा, जहाँ पर प्रदर्शन वगैरह हो रहा था अभी, जैसे भी आपने देखा वीडियो में। और यहाँ पे कपड़ों से लेके और क्या कहते हैं ज्वेलरीज है, क्या कहते हैं गाड़ी है, सब कुछ अलग ही है, लिटिल बिट सब कुछ अवेलेबल है यहाँ पे। तो भैया लोग उत्तराखंड से लोग आए हैं, अपनी चीज़ों को प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग प्लीज़ गाइस आइए यहाँ पे विज़िट करिए, आप लोग को काफ़ी अच्छा लगे, अपनी फैमिलीज लोग के साथ आइए। ये देखिए कौवे, बच्चों के लिए देखिए यहाँ पे गाड़ी है, जैसे घंटाघर में चलवाते हैं ऐसे यहाँ पे भी लोग। भैया कै रुपये के चलाते हैं, चलवाए 50 रुपये एक राइड पूरी, ये ना। और ये सब है खिलौने वगैरह लगे हैं बच्चों के, और इधर तरफ सोफे वगैरह हैं, अभी इधर भी चलते हैं देखते हैं। और ये अपने सामने रही गोमती नदी, अभी वो आगे चलेंगे तब आपको दिखाएंगे, तो पहले इधर तरफ चलते हैं देखते हैं सोफेस वगैरह का, थोड़ा शॉट लेते हैं आपको दिखाते हैं। तो गाइस आप देखिए ये है फर्नीचर वगैरह, और ये छोटे छोटे बच्चों के लिए कितनी प्यारी चीज़ है ये, और ये ज़्यादा काफ़ी प्यारा लग रहा है दूर से, बालकनी वगैरह में डालने के लिए सही रहेगा ये। भाई इसका क्या प्राइस है, भाई इसका क्या प्राइस है, 22,000 का सेट है पूरा, और डाइनिंग टेबल का 60,000 का, सिर्फ प्योर लकड़ी से बनी है, प्योर आसाम की लकड़ी। आप उत्तराखंड से आप भी हो, सहारनपुर से आए हो, तो गाइस आप लोग आपके यहाँ परचेज कर सकते हो, देख रहे हो कितने प्यारे प्यारे चीज़ें हैं, जो कि आप मार्केट में जाओगे वहाँ इतनी प्यारी चीज़ें आपको नहीं दिखेंगे, यहाँ आएंगे तो कुछ अच्छा ही दिखता है, मतलब कि जैसे मार्केट वगैरह में इतना प्यारी चीज़ नहीं दिखती है मेरे हिसाब से। तो गाइस अगर आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करिएगा, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, अब इंशाल्लाह व्लॉग ज़रूर आते रहेंगे, लगातार आएंगे, तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा। तो चलते हैं गाइस, और आपसे मिलते हैं अगले व्लॉग में।